हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आलू मटर के पराठे बनाने जा रहे हैं। जो सर्दियों में के मौसम में आलू मटर के पराठे स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो फ्रेंड्स रेसिपी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आधा केजी आलू है जो उबाल कर ले लिया है, और ये 250 ग्राम मटर है जो उबाल कर ले ली है। फ्रेंड्स, पराठों के लिए हमने अदरक के टुकड़े और लहसुन की कलियां और नमक डालकर पीस लेते हैं। देखिए, ये पीस चुका है तो इसको निकाल लेते हैं और उबली हुई मटर को भी पीस लेते हैं। मटर को भी पीस लेते हैं। देखिए, मटर पीस करके तैयार है। फ्रेंड्स, आलूओं को मैश कर लिया है तो इसमें निकाल लेते हैं। अब ये मटर को भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आलू मैश हो गए हैं तो हमने इस थाली में रख लिया है, और ये पिसे हुए मटर हैं इसको भी इसी में रख लिया है, और अब कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और आपको तड़का लगाकर दिखाएंगे जो मसाले मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, गैस में तवा रख दिया है और गैस जला दी है, और अब तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए हमने लिया है आधा TSP जीरा, आधा TSP सौंफ और आधा TSP खड़ा धनिया, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, दो चुटकी। अब तवे पर सरसों का तेल डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हम बाकी की सारी चीज़ें कच्ची ही डालेंगे क्योंकि हमें कच्चा पसंद है इसमें मिक्स करना, और ये भी इसी में मिक्स कर लेंगे। ये अदरक और लहसुन और नमक इसका पेस्ट बनाया था जो, इसको भी मिक्स कर देते हैं इसमें। मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्स हो चुका है और वहाँ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये डाल देते हैं मसाले। और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। और इसको बंद कर देते हैं। इसको अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर आधा चम्मच के आसपास, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। और इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है।
फ्रेंड्स, हम पराठे इसी तरीके से बनाते हैं और ऐसा ही टेस्ट हमें पसंद आता है। अगर आपको भी पसंद है तो बना कर देखिए, तो आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए ये बनकर तैयार है मसाला। तो अब हम आटा गूंथने की तैयारी कर लेते हैं और आपको आटा गूंथ कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 कटोरी आटा लिया है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। देखिए आटा गूंथ कर तैयार है। तो आप पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गैस जला लेते हैं और तवा गर्म हो जाने के बाद पराठे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आटा तोड़ लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे और इसको थोड़ा इस तरीके से बीच से थोड़ा मोटा रखेंगे और किनारे किनारे पतला करके मसाला भरने के लिए जगह बना लेंगे। और इस तरीके से इसमें मसाला रख देंगे और इस तरीके से पैक कर देंगे। देखिए ये बन चुकी है, तो इसको बेल लेते हैं। हल्के हाथों से इसको थोड़ा चपटा करेंगे। जब ये बेल कर तैयार है तो पराठा डाल देते हैं। ये एक तरफ से सिक चुका है तो इसको पलट देते हैं और हम इसमें सरसों का तेल लगाकर सेक लेते हैं। दूसरी तरफ से सिकने देते हैं। सिक चुका है तो इसको पलट कर तेल लगा देते हैं। फ्रेंड्स, पराठा सिक कर तैयार है। इसको सेक लेते हैं, दूसरा वाला डाल दिया है और इसको भी सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, पराठा तैयार है। तो इसे चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और हमने ये बटर रखा है और सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पराठा बहुत ही अच्छा बना हुआ है। देखिए अंदर से फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।